हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन सी डॉट एफ। इस क्वेश्चन में बोला गया मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। हमारे सामने 2D एरे दिया हुआ है 3x5 का, उसकी वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये तीन रो हो गई और एक पॉइंटर वेरिएबल ले रखा है, उसके अंदर बेस एड्रेस ऑफ एरे को असाइन करा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने दो कॉलम दिए गए हैं जिनके बेस के ऊपर हमें उनको मैच करना है। ये इस तरीके से मैच होगा। तो इसको मैच करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरे के अंदर मेमोरी का जो एलोकेशन होता है कंटिन्यूअस होता है, मतलब कि जो बेस एड्रेस की वैल्यू आ गई, तो अगर सेकंड इंडेक्स की वैल्यू देखो उसके अंदर उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की जो भी मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है उसको ऐड करते हैं, उसकी वैल्यू होती है चली जाती है। अब सबसे पहले तो हम इसको चेक करने से पहले, जैसे तुम बोल रखा है स्टार x+2, x+1, तो इनका मीनिंग क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इस पूरे प्रोग्राम को सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले प्रोग्राम के अंदर चलते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं, इसको ch14cf.c। यस, हैश इंक्लूड stdio.h, include ponio.h, void main, clrscr for clearing the screen, gtch for holding the screen output। हमारे पास में एक array दिया गया है x 3x5 का, उसके अंदर जो values assign कर रखी है वो values assign किस तरीके से कर रखी है, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई और ये हमारे पास में थर्ड रो हो गई, ये हमारा एरे हो गया। इसके अंदर वैल्यूज क्या रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक वेरिएबल दिया गया हमारे पास पॉइंटर इंटीजर टाइप का, इंटीजर पॉइंटर n, n के अंदर असाइन कर रखा है हमने एड्रेस ऑफ x, ठीक है। इसको रन कराते हैं, बिल्कुल हमारा प्रोग्राम ठीक है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं आ रही है, ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया, इसका इसके अंदर एड्रेस चला गया। अब इस एड्रेस को चेक करना है, तो जब भी हम एरे को ट्रेवर्स करते हैं, एरे को एक्सेस करते हैं, तो क्या 2D एरे के लिए हम यूज करते हैं रो एंड कॉलम। तो हमने जैसे मान लीजिए कि रो एंड कॉलम के लिए हमने आई और जे ले लिया, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि इसको एरे को हम एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं, इसके मेमोरी लोकेशन क्या है, क्योंकि सारा कुछ स्टार का यूज करा हुआ है, स्टार का मतलब होता है पॉइंटर, तो या तो वैल्यू एट एड्रेस या फिर इसका एड्रेस क्या होगा ये आइडेंटिफाई करना है। तो इनका एड्रेस किस तरीके से लोकेट हो रखा है उस चीज को हम प्रिंट करवा लेते हैं। सबसे पहले तो फोर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन फाइव, नहीं रो तो हमारे पास थ्री है, आई प्लस प्लस, अब ये शुरू हो गया फोर जे, जे को शुरुआत कर दिया हमने जीरो से, जे इज लेस देन हो गया फाइव तक, जे हो गया प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ डायरेक्टली करवाते चलेंगे। अब हमें एरे के अंदर क्या करना है क्या नहीं, ये परसेंट डी जो भी नंबर आ रहा है उसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या होगा इससे हम मैटर कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास में। ये एक्स हो गया, ये आई और ये हो गया जे, और एट एड्रेस इसका प्रिंट करवा देते हैं, एक्स आई और एक्स जे का क्या एड्रेस होने वाला है, तो उसके बाद में हर बार में न्यू लाइन चली जाए। सेव करा दिया, कंट्रोल एफ नाइन हमने रन करा दिया, तो देखिए फर्स्ट एड्रेस हमारा स्टार्ट हुआ 6549496980000204, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता हुआ चला जा रहा है। तो एक कंटिन्यूअस आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सब का आ गया, रोक से कोई लेना देना नहीं होता, सारा का सारा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन करते हुए जा रहे हैं। अब हमारे पास में जो प्रोग्राम दिया हुआ है उसके अंदर ये हमारा हो गया कि पूरा का पूरा सीक्वेंस के अंदर चलेगा,
ठीक है। अब इसकी जगह पे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं, इसको मैंने कर दिया कमेंट, ये यहां पर हो गया है। अब हमारे पास में वैल्यू प्रिंट करवाता हूं किसकी, बेस एड्रेस एंड की, प्रिंट एफ, ये परसेंट यू एड्रेस हमें प्रिंट करवाना है, तो यहां पे मैंने एड्रेस ऑफ एक्स को प्रिंट करवाता हूं, सेव कर दिया। अब इसको मैंने रन करवाया तो ये हमारे पास में बेस एड्रेस आ गया। अब मैं इसको प्लस वन प्लस टू करता हुआ चला जाता हूं, देखते कहां तक हम पहुंचते हैं। एक लूप चला देता हूं मैं फॉर आई इक्वल टू जीरो पे, कितने आइटम हमारे पास में 3/5 की आ रही है, तो मतलब 15 आइटम है, 15 तक लेके जाएंगे इसको आई प्लस प्लस, और ये हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा न्यू लाइन के अंदर। कंट्रोल एफ 9, 6549 4, 6549 4 पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं प्लस वन, 6552 4, 6552 4, इसकी जगह पे मैं अगर ये प्रिंट कर दूं कि जो एड्रेस आ रहा है मेरे पास में एन, नहीं मैंने एक ही चीज प्रिंट कर दी थी यहाँ पे एक्स, प्लस कर देता हूं मैं आई। अब देखते क्या आता है हमारे पास में, 6549 4, 6552 4, 18 48 78 108, कुछ भी अलग अलग वैल्यूज आ गई है हमारे पास में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ एन, और अब इसकी वैल्यूज को अगर मैं चेक करवाता हूँ, तो अब हमारे पास में आउटपुट देखिए क्या आता है। तो ये जो आउटपुट हमारे पास में आ रहा है, ये आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है जो कि हमने एड्रेस ऑफ एक एक आइटम का इंडेक्स करा था, मतलब कि अगर एन के अंदर मैं प्लस करता हुआ चला जाऊंगा तो उस पर्टिकुलर आइटम का एड्रेस हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में जो प्रोग्राम है, जो अब पूछा गया उसके अंदर एक एक्स प्लस टू टर्न आइटम यूज करा गया और एक्स प्लस वन, तो देखिए एन प्लस टू एन प्लस थ्री किस तरीके से करना है, ये तो हम एक्सेस कर चुके हैं कि भाई कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन आ रही है। अब इसके जगह पे वैल्यू जो आ रही है उसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं क्या चीज आ रही है। देखिए ये आया है एन प्लस आई, तो ये मैंने इसको ब्रैकेट लगा दिया, और जब बात करता हूं इसके ऊपर तो ये क्या बोल रहा है, वैल्यू एट दिस एड्रेस, देखिए पूरा का पूरा प्रिंट करेगा 1 2 3 से कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा का पूरा इसने प्रिंट कर दिया। तो मतलब कि ये तो हमारा सोल्व हो गया कि किस तरीके से हम नीचे वाला जो सेक्शन आ रहा है कि 6 से लेकर के 10th को हम सोल्व करेंगे, ये तो हमारा इस तरीके से हो गया। अब बात करते हैं 1 से लेकर 5 की, कि उसके अंदर हमारे पास हम बोले एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन और एक्स, इसकी वैल्यूज किस तरीके से एक्सेस होती है, तो उसको मैंने कर दिया यहाँ पे कमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि मैं प्रिंट करता हूं परसेंट यू, क्या दिया हुआ है हमारे पास में, बार दिया हुआ पॉइंटर, और यहां दिया हुआ हमारे पास में एक्स प्लस वन, इसको मैं कर देता हूं स्लैश एन, ये मैंने ले लिया इसको कॉपी, ये रन करा दिया मैंने, 6554 आ रहा है, शिफ्ट इंसर्ट। अगर मैं इसको बोलता हूं ये और ये प्लस टू, तो देखिए हमारे पास में आउटपुट में क्या आ रहा है, 6549 4, 6550 4, 6551 4, ये हमारे पास में आउटपुट आ रहा है। इस आउटपुट को अगर मुझे चेक करना है तो मैं चला जाता हूं इसको ओपन कर देते हैं, ये हो गया परसेंट डी, और ये हमने कर दिया परसेंट यू, वैल्यू एट एन प्लस आई, और यहां कर देते हैं एन प्लस आई, रन करा के चेक कर लेते हैं। देखिए 6549 6, 6550 6, 6551 6, ये मेमोरी एलोकेशन हुआ है। फर्स्ट एड्रेस का क्या आ रहा है, 6549 6, लेकिन जब 6550 6 जो आ रहा है वो आ रहा है किसका, 6550 6, ये कौन सा आइटम आ रहा है, सेकंड रो का फर्स्ट आइटम आ रहा है,
उसी तरीके से 65516 जो आएगा थर्ड रो का फर्स्ट आइटम हमारा, थर्ड रो का फर्स्ट आइटम कहां से स्टार्ट हो रहा है 11 से, मतलब कि x प्लस 1 डिनोट करता है सेकंड रो को, x प्लस 2 डिनोट करता है थर्ड रो को कि फर्स्ट इंडेक्स को। ओके, तो जब भी x प्लस 1 और x इस तरह की व्यक्त करेंगे तो उनको पता लगेगा कि किस रो का किस कॉलम की हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए ये सब कुछ आ रहा है, इसकी हम वैल्यूज को ये डी कर दिया हमने, डी करते ही हमारी वैल्यू शो करने लग जाएगा, ये कंट्रोल एफ नाइन, अब ये तो एड्रेस आ गया। अगर पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर वैल्यू शो करनी है तो क्या करेंगे, उसके आगे स्टार लगा देते हैं हम, डबल स्टार का मीनिंग क्या होता है वो समझ में आ गया, वैल्यू एट एड्रेस अगर हमारा नॉर्मल वेरिएबल है तो, लेकिन उसकी जगह पे अगर पॉइंटर वेरिएबल ही है तो डायरेक्ट केवल सिंगल स्टार से ही उसकी वैल्यू को निकाल के हमें दे देता है। देखिए 1611 फर्स्ट रो का पहला आइटम 1, सेकंड रो का फर्स्ट आइटम 6, थर्ड रो का फर्स्ट आइटम 11, तो ये इस तरीके से x, x प्लस 1, x प्लस 2 की वैल्यूज काम करती है। अब हम चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करते हुए चलते हैं। एक चीज और कि जैसे मैंने मान लीजिए कि यहां पे मैंने प्लस 1 कर दिया तो अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, कि बेस एड्रेस क्या आ रहा है 1, 1 के अंदर 1 जोड़ दिया तो 2 आ रहा है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए हमारे पास में 2 आना चाहिए। अब वैसे भी हो सकता है कि भाई 1 के अंदर तो 1 ऐड करा तो 2 ही आएगा, अगर मैं इसको 11 करता हूं तो क्या आना चाहिए, क्या है 2, क्यों, क्योंकि इसने बात किसकी करी हमारे पास में, जो एड्रेस आ रहा था उसके अंदर इसको ऐड कर दिया। उसकी जगह पे अगर मैं ये कर देता हूं डायरेक्ट तो भी 2 आ गया, अगर मैं इसको यहां से बाहर निकाल के और यहां ले आता हूं तो क्या आएगा हमारे पास में आउटपुट के अंदर 12, क्योंकि अब वैल्यू के अंदर इसने 1 ऐड कर दिया क्योंकि उसके पॉइंटर के डेंस से बाहर निकल चुका है वो। ठीक है, अभी जब हम नॉर्मल तरीके से इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये, तो ये काम किस तरीके से कर रहा है कि हमने इसको बोला है एन प्लस 1। ठीक है, एन प्लस 1 मतलब कि बेस इंडेक्स के अंदर हमने 1 ऐड कर दिया तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए 2। ये इस एन को हटा करके हम क्या कर सकते हैं स्टार एक्स, तो आई थिंक अभी तक हम क्लियर कर चुके हैं किस तरीके से तो वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम कंप्लीटली चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर कि उसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए स्टार के ऊपर स्टार, यहां बोल दिया इसने एक्स प्लस 2, उसके अंदर चला गया प्लस 1, तो एक्स प्लस 2 के ऊपर चले गया मतलब कि सेकेंड रो का फर्स्ट आइटम और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए 12। तो फर्स्ट जो एड्रेस आ रहा है उसका आउटपुट आ रहा है 12, तो फर्स्ट इक्वल टू एफ हो गया। इनकी वैल्यूज को हम लिखते हुए चलते हैं, यहां पे इसको नीचे ले आते हैं हम, कट किया ये हमने शिफ्ट इंसर्ट कर दिया और जो भी आउटपुट आएगा उसको हम नीचे शो करते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि 1 इक्वल टू क्या आने वाला है, 2 इक्वल टू क्या आएगा, 3 इक्वल टू, फोर इक्वल टू, 5 इक्वल टू, 6 इक्वल टू, 7, 8, 9, 10, मतलब सबका आउटपुट क्या आने वाला, तो 1 का आउटपुट तो कितना आ रहा है हमारे पास में 12 और 12 कितना आ रहा है f, तो
तो फर्स्ट इक्वल टू हो गया हमारा एफ। अब चलते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, स्टार एक्स प्लस टू, उसके अंदर ऐड कर दिया गया प्लस फाइव। लेकिन ये यहां से हटा दिया गया है, ये स्टार चला गया है, उसके ऊपर एक्स प्लस टू चला गया है, और ये कुछ गड़बड़ रह गई है। स्टार एक्स प्लस टू ये क्लोज हो गया, और उसके ऊपर ये भी क्लोज हो गया, नहीं डबल नहीं है ब्रैकेट, कितना आ गया एट। क्यों आ गया एट, क्योंकि एक्स प्लस टू स्टार एक्स बेस वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वन है, वन के अंदर टू ऐड कर दिया कितना आ गया थ्री, थ्री के अंदर फाइव ऐड कर दिया कितना आ गया एट। ओके, दूसरे शब्दों में बोले कि स्टार एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब कि एन मतलब बेस एड्रेस, बेस एड्रेस कितना आ गया वैल्यू कितनी थी वन, वन के अंदर टू ऐड कर दिया, टू के अंदर फाइव ऐड कर दिया, तो आउटपुट में कितना आ गया हमारे पास में एट। एट क्या आ रहा हमारे पास में जे, तो सेकंड का आउटपुट कितना आ गया जे। अब आता थर्ड, थर्ड के अंदर क्या आ रहा हमारे पास में स्टार के ऊपर स्टार, ये फिर से ब्रैकेट, और इसके अंदर आ गया एक्स प्लस वन, इसको हटा देते हैं, ये आ गया सेकंड रो का बेस इंडेक्स जो भी आ रहा, मतलब कि सिक्स आ रहा है हमारे पास में, तो आउटपुट के अंदर आएगा सिक्स। सिक्स, और सिक्स आउटपुट में हमारे पास में कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है एम के ऊपर, थर्ड का हो गया एम। फोर्थ वैल्यू एट एक्स बेस एड्रेस आ गया, ये हमने क्लोज कर दिया, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया प्लस टू, प्लस टू के बाद में हमने ऐड कर दिया इसके अंदर प्लस वन, आउटपुट आ गया फोर। फोर क्यों आ गया, क्योंकि पहला बेस एड्रेस कितना आ गया हमारे पास में वन, वन के अंदर टू ऐड करा, और टू के अंदर हमारा वन ऐड कर दिया कितना आ गया फोर। फोर वैल्यू आ रही है हमारे पास में यहां पे सी के ऊपर, और कंट्रोल एफ नाइन कर दिया हमने। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको एक बार और बता देता हूं। मान लीजिए कि इसको मैं प्लस ट्वेल्व की जगह, प्लस टू की जगह पे मैं इसको कर देता हूं इलेवन, आउटपुट क्या आ गया हमारा 14। कैसे आ गया 14, क्योंकि 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 11 कितना हो गया 14। क्योंकि कंफ्यूजन हमारे पास में कितना था है कि जो एरे आइटम है वो भी सारे 1 1 ऐड करते हुए जा रहे हैं, तो किसी के अंदर 1 ऐड कर रहे हैं, एक्चुअल में 1 वैल्यू ऐड हो रही है कि एड्रेस वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये कंफ्यूजन है, इसलिए इस तरीके से शो करा है। तो आ गया हमारे पास में फिफ्थ, फिफ्थ के अंदर आ रहा है एक्स प्लस वन, मतलब की सेकंड रो का फर्स्ट आइटम, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया थ्री, मतलब की सेकंड रो सिक्स प्लस थ्री कर दिया, तो आउटपुट आना चाहिए नाइन। स्टार आ गया ब्रैकेट, फिर से स्टार, ये आ गया एक्स प्लस वन, मतलब कि सेकंड रो, सेकंड रो की बेस वैल्यू कितनी आ गई सिक्स, सिक्स के अंदर हमारे ऐड कर दिया थ्री, आउटपुट में आएगा कितना नाइन। तो इसको नाइन से मैच करा दिया, तो नाइन हमारे पास में कहां पे आ रहा है, फिफ्थ की वैल्यू कितनी आ गई नाइन आ रहा है हमारा ए के ऊपर, तो ये हो गया ए।
अब स्टार एन मतलब कि बेस एड्रेस की वैल्यू तो हमारे पास में वन ही थी, तो इसकी वैल्यू को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नॉर्मल है। तो ए वन कितना आ रहा है आई के ऊपर। अब जब बात कर रहे हैं हम एन प्लस टू मतलब कि जो बेस वैल्यू थी उसके अंदर दो आइटम आगे की बात कर रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसकी वैल्यू सेवन की वैल्यू आ रही है हमारे पास में थ्री, तो थ्री कहां पे मैच कर रहा है इसको यहां भी चेक कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वैल्यू एट एन प्लस टू हो गया थर्ड आइटम, ये आ गया थ्री, तो सेवन का मैच हो गया डी से। अब एन प्लस थ्री, एन प्लस वैल्यू एट एन प्लस थ्री कितना हो गया, वैल्यू एट एन प्लस थ्री मतलब कि फोर्थ आइटम की वैल्यू तो आ रही थी फोर, फोर के अंदर वन एड कर दिया तो फाइव, तो एट की वैल्यू मैच होती है फाइव से, ये आ गया हमारे पास में के। चेक कर लेते हैं इसको कि वैल्यू एट एन प्लस थ्री इसको कर दिया प्लस वन, आउटपुट में हमारे पास में कितना आ रहा है फाइव, और फाइव हो रहा है मैच के साथ में। अब नाइन्थ चला गया, वैल्यू एट एन प्लस फाइव मतलब कि फिफ्थ नंबर का आइटम नहीं सिक्स नंबर का आइटम, सिक्स नंबर का आइटम कितना था सेकंड रो का फर्स्ट आइटम, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी सिक्स, सिक्स के अंदर वन जोड़ दिया तो आउटपुट आ गया सेवन, और सेवन मैच होगा किससे एच के साथ, तो उसको मैं कर देता हूं एन प्लस फाइव, सेवन सेवन मैच हो रहा है एच के साथ। लास्ट में टेन प्लस प्लस आई, देखिए प्री इंक्रीमेंट है तो बेस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करने से पहले ये उसको इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज कर देगा, प्लस प्लस पॉइंटर एन और बेस एड्रेस पे वैल्यू आ रही है हमारी वन, और वन को कर देगा टू, तो क्योंकि इसको हमने 12 कर दिया था, कंट्रोल एफ नाइन, तो आ गया टू, तो टू हमारे पास में किस जगह पे आ रहा है, टू आ रहा है ई के ऊपर, तो ये हो गया हमारा ई। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रॉब्लम सोल्व कर लिया। इस प्रोग्राम के आउटपुट में क्या मिला है कि 2D एरे हो या 1D एरे हो या 3D एरे हो, मेमोरी अलोकेशन कंटिन्यूअस होता है, और किस तरीके से वैल्यू एट एड्रेस को आइडेंटिफाई करा जाता है, किस तरीके से एड्रेस ऑफ वेरिएबल को आइडेंटिफाई करा जाता है, स्टार का यूज क्या होता है और डबल स्टार का यूज क्या होता है। ओके, थैंक यू।